अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। आज रिज़ल्ट डे है और पेरेंट टीचर मीटिंग भी है, उसी की तैयारी कर रहे हैं। जो का दिल चाह रहा है नाश्ता करने को, न मेरा मूड हो रहा है, तो बस मैं ब्लैक कॉफ़ी पीऊँगी ताकि जहन थोड़ा फ्रेश हो। उसके बाद वापस आकर ही हम नाश्ता करेंगे। लेट्स सी आज क्या होता है। रिज़ल्ट बच्चों का होता है और दिल हमारा धड़क रहा होता है। चलें बस कॉफ़ी इंजॉय करते हैं, फिर चलते हैं स्कूल। काफ़ी ठंड है बाहर, इतना अंदाज़ा नहीं होता, लेकिन सुबह बाहर जाओ तो काफ़ी ठंड होती है। स्कूल की तरफ हम रवा दवा हैं। छुट्टियां तो ऑलरेडी हो चुकी हैं, बस एक हफ़्ते बाद दोबारा स्कूल रीओपन होगा। प्री प्राइमरी सेक्शन है एक रंगीन सा। स्कूल और दूसरी तालीमी इदारों का एक अपना एक खूबसूरत सा डिसिप्लिन वाला माहौल होता है। बस जहाँ जाएँ तो बचपन की याद भी ताज़ा हो जाती है, पलक चपकते वक्त गुजर जाते हैं। मुर्तज़ा की क्लास में पहले जाऊंगी, इनका रिज़ल्ट पहले कलेक्ट करूंगी, दूसरी क्लासेस में जाऊंगी। मुर्तज़ा का तो बड़ा अच्छा रिज़ल्ट रहा माशाल्लाह से, अभी ऊपर दूसरी क्लासेस में जाऊंगी। मेरे बड़े बेटे का रिज़ल्ट है माशाल्लाह टॉप की। घर वापस आ गए, नाश्ते की तैयारी कर रहे हैं, सब बहुत खुश हैं, मुतमईन हैं। रिज़ल्ट बहुत अच्छा रहा तीनों बच्चों का। सारी मेहनत वसूल हो जाती है वालदैन की भी, बच्चों की। नाश्ता बिल्कुल रेडी हो गया है, सब अब इंजॉय करेंगे अपना अपना नाश्ता। खुशी का मौका हो तो मीठा तो लाजमी होना चाहिए। इस बेकरी की ये बहुत ज़बरदस्त स्पेशलिटी है, बहुत मज़ेदार बनाते हैं ये लोग इस गाजर के हलवे को। सर्दियों की सौगात भी कहलाई जाती है गाजर का हलवा। कराची की मशहूर खानों में से एक खाना पाकिस्तान चौक के बंद कबाब। चाहे मैकडोनल्ड खा लो, KFC खा लो, मगर जो मज़ा और टेस्ट इन पाकिस्तान चौक के बंद कबाब में है वो किसी में नहीं है। शाम का वक्त है, कुछ मेहमान आए हुए हैं हमारे घर पे, UAE से वो आए हुए हैं। मेरी सिस्टर भी वहाँ रहती है, तो उनने कुछ गिफ्ट भिजवाए हैं बच्चों के लिए। ज़बरदस्ती दूध पत्ती तैयार हो गई, लवाजमात तो पहले ही मैं सर्व कर चुकी। मुर्तज़ा जो है इंतज़ार में है कि वो पार्सल खुद खोलेंगे। चले मिलकर देखते हैं क्या निकलता है पार्सल में से। अच्छा, मुर्तज़ा के प्यारे प्यारे कुछ कपड़े हैं इसमें, पजामा सूट। मेरी बहन को पता है कि मुझे बहुत पसंद है बच्चों के लिए, तो उन्होंने वही बहुत सारे भेज दिए और मुख्तलिफ़ किस्म की छोटी छोटी चीज़ें भेजी हैं। बहुत सारे पजामा सूट हैं मुर्तज़ा के। मुर्तज़ा के तो खूब ऐश हो गए, ढेर सारे कपड़े आ गए। ये वैसे भी बहुत शौकीन हैं नए कपड़ों के, तो खूब खुश हैं। और बाकी बच्चों की छोटी मोटी स्टेशनरी के सामान। मेरी भांजी की सालगिरह थी, तो ये कुछ वीडियो और तस्वीरें आपके साथ शेयर कर रही हूँ। बस आपस में ये एक छोटी सी तकरीब हो जाती है, मिल बैठने का बहाना होता है। सर्दियाँ हों और छुट्टियाँ हों, तो वक्त पे वक्त भूख तो बहुत ज़रूरी है। आजकल हमारे घर में यही हाल चल रहा है। अब मैं इनके लिए एक छोटा सा प्लेटर रेडी करूँगी, फिर हम सब मिलकर एंजॉय करेंगे और साथ में मूवी भी देखेंगे। क्योंकि छुट्टियां हैं तो लेट नाइट तक सब जागे रहते हैं और सुबह देर से उठते हैं। बस कुछ दिनों की बात है, फिर तो स्कूल स्टार्ट हो जाएंगे। दुआ करते हैं कि आप सब भी अपने अपने घरों में खुश खुर्रम रहें। 2018 ख़त्म होने वाला है और 2019 शुरू होने वाला है। अल्लाह ताला से यही दुआ करेंगे कि ये नया साल हम सब के लिए मोहब्बत हो, कामरानियों, इत्तेफाक, मोहब्बत, अमन अमान वाला साल हो और सब लोग अपने अपने घरों में खुश खुर्रम और आबाद रहें। इसी दुआ के साथ मैं अपना ब्लॉग ख़त्म करूंगी और आप सब लोग अपने फैमिली टाइम को एंजॉय करें और मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।